लगना चाहिए, ट्रैफिक वगैरह होना चाहिए और होगा भी। तो ये है जिम सेंटर और क्या, ये है पॉलिटेक्निक कॉलेज। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। वापस से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं कुछ ही दिन पहले दिल्ली और राजस्थान, यूपी, ये सब ट्रेवल करके मैं घर पे आया हूँ। तो मैं अभी घर पे हूँ, ठीक है। और आप लोगों को मैं अभी हमारा जो लोकेलिटी है ये सब भी मैं दिखाऊंगा कुछ दिन, ठीक है। मैं ढूंढ रहा हूँ अभी कहीं पे भी जाऊंगा, कुछ दिन लाएगा, तब तक आप लोग हमारा लोकेलिटी का ही एंजॉय कीजिए। तो गाइस चलिए, अभी मैं बरबर टाउन चलता हूँ, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो गाइस चलते हैं। तो गाइस मैं आके गोनतकुसी तक पहुँच गया अभी, ठीक है। और यहाँ से मैं मोटर ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ और ये थोड़ा अंदर वाला रोड से मैं आया। हाँ, थोड़ी ही देर में मैं परफेक्ट टाउन पहुँच जाऊँगा, एक मिनट लगेगा। मेरा थोड़ा काम भी है परफेक्ट टाउन में, देखता हूँ अभी अगर खुला रहते, ऑफिशियल काम है, अगर खुला रहते हैं तो करूँगा, अगर बंद हो जाता है तो कोई नहीं, ठीक है। परफेक्ट टाउन में एक दो चक्कर लगाऊँगा, घूम फिर के चला जाऊँगा घर। मैं अभी काफ़ी दिनों के बाद परफेक्ट आया, एक महीने तो मैं दिल्ली पे ही था तो आ ही नहीं पाया बेटा, ठीक है। अब काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, अभी अच्छा लगेगा, देखता हूँ थोड़ा घूम के। कहानी सुनाता हूँ गाइस, मेरा जो लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग था, मतलब ऐसा ब्लॉगिंग करना, मैं तो ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो पहले से ही बनाता था, पर मेरा जो लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग था ये परपटा का ही था और उसमें करीब 13,000 के आसपास व्यूज़ आए थे, बहुत अच्छा लगा था। मतलब फर्स्ट ब्लॉग था और उसमें इतना सारा व्यूज़ मिला था मुझे परपटा। उसके बाद और परपटा में वीडियो नहीं बनाया मैं, आज काफ़ी दिनों के बाद। ट्रैफिक तो होगा ही, टाउन है तो टाउन जैसा लगना चाहिए, ट्रैफिक वगैरह होना चाहिए और होगा भी। तो ये है परपटा टाउन। तो गाइस मैं बोरपटा के सीधा अंदर आ गया और अभी यहाँ पे मेरा लेफ्ट साइड में रह गया बोरपटा जो मेन SBI बैंक वो, और जो बाज़ार ब्रांच है वो सामने मिलेगा। ये रहा बाज़ार इंडिया शॉपिंग मॉल और आगे और शॉपिंग मॉल मिलेगा, सामने ट्रेंड्स मिलेगा, ठीक है। ये रहा शॉपिंग मॉल ट्रेंड्स इस साइड में, ये है ट्रेंड्स। और शॉपिंग मॉल ट्रेंड्स के लेफ्ट साइड में थोड़ा आगे जाके जो लेफ्ट साइड का रोड मिलेगा वहाँ पे ये कोर्ट, परपटा जो कोर्ट है, कोर्ट इस साइड में मिलेगा, ठीक है, मेरा लेफ्ट साइड में, इस साइड में। तो मैं सीधा चलता हूँ इस तरफ, ओके। ये बोरपटा एक रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है छोटा सा करके, इस साइड से अगर जाएंगे तो कोयकुसी मिल जाएगा। मैं कोयकुसी नहीं, इधर से मैं एक राउंड लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ से अगर ऐसा जाएंगे तो हमें सीधा मिलेगा, ऐसा अगर जाएंगे तो हमें सीधा हावली बोरपटा रोड जाने का रोड मिलेगा यहाँ पे। Trying to forget how you felt. Just take a look at yourself. Can't even be your own friend. Stick code अभी नया करके यहाँ पे लाया है।
चलो चलो, मेरा फर्स्ट ब्लॉग में मैं यहाँ पे भी शूट किया था कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पे साइकिल लेके मैं घूम रहा था। मेरे साथ था जुएल, मेरा एक फ्रेंड, ये वो बरपटा का ही है, वो उसके साथ मिलके बनाए थे मेरा फर्स्ट ब्लॉग। ठीक है, यह है मुस्लिम पट्टी, ये जगह का नाम है मुस्लिम पट्टी। ठीक है, अभी यहाँ से मैं थोड़ा टर्निंग लेता हूँ। मैं ऐसे ही, मेरा कोई काम नहीं है, मैं जिस ऑफिशियल काम के लिए आया था वो तो बंद ही है। तो यह है मुस्लिम पट्टी, अभी मैं घूम रहा हूँ मुस्लिम पट्टी। इस साइड को, बरपटा के इस साइड को सजाया जाएगा ईद में, पूरा धमाधार सजाया जाता है। यहाँ पे आएंगे ईद में भी घूमेंगे ना, घूमने के लिए आएंगे। यह है बरपटा पासली। ठीक है, पांच रास्ता यहाँ से पांच तरफ गया है, मतलब फाइव रोड फाइव तरफ गया है। इस साइड से भी हमारा घर तक हम जा सकते हैं। अभी के टाइम पे बरपटा पे पांच छह शॉपिंग मॉल हुआ है, ये काफ़ी अच्छा बात है। शॉपिंग मॉल होना चाहिए, तभी तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो थोड़ा जो कस्टमर है, कस्टमर को थोड़ा आराम मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा कम में मिलेगा, ऑफ वगैरह मिलेगा। अगर सभी में इस रोड से अगर जाएंगे तो सीधा और दोबारा पाटबाव की गोनकुश ये सब पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो मेरे सामने और एक चीज़ है, यहाँ पे एक हॉल है, सिनेमा हॉल। ये बरपटा टाउन का जो एकमात्र हॉल है वो यही है, यह है बरपटा मुनमोहन सिनेमा हॉल। ठीक है, अभी देख सकते हो कौन सा मूवी लगाया है अभी। और एक सीजन में देखा था हूँ, ये बरपटा जो ग्राउंड है, ग्राउंड को थोड़ा देखा देता हूँ मैं। इस साइड से जाएंगे तो बरपटा ग्राउंड के साइड से जाना पड़ेगा, इस साइड से निकलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे है बरपटा फुटबॉल और क्रिकेट बॉल, मतलब मेन ग्राउंड इस साइड में है, ये देख सकते हो। ये यहाँ पे यही है बरपटा का मेन जो बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे सब कुछ होता है, क्रिकेट बॉल वगैरह जो रीजनल ये सब होता है ना, क्रिकेट ऑफिशियल चीज़ें सब कुछ यहाँ पे होता है। अगर कोई मंत्री मिनिस्टर आता है वो भी अपना हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करवाता है। बहुत बड़ा ग्राउंड है ये। और मेरे सामने है बरपटा का डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, यह ये रहा बरपटा का डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। चलो, अभी मैं वहीं से जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। ठीक है, ये वाला रोड जो है ये मस्त है, पूरा फिनिशिंग है, अच्छा है, सीमेंट का बना हुआ है, एकदम मस्त है। ये बरपटा टू मंदिया वाला जो रूट है ये काफ़ी साल, बहुत साल, मतलब ये टूटा फूटा था, ये अभी कुछ साल पहले ये बनाया है, दो तीन साल पहले ये रूट तैयार किया है। और उससे पहले हम लोग जब बरपटा से मंदिया जाते थे या तो घर से मंदिया जाते थे, ये वाला जो रूट था भाई साहब कहने लायक रूट था, बहुत ही ख़राब रूट था ये वाला। अब देखो कितना अच्छा हो गया। तो गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि गाइस थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है, सपोर्ट तो ऐसे आप लोग करते ही हो, तो भी और थोड़ा करो, अभी थोड़ा ज़रूरत है, सपोर्ट चाहिए। बच्चा और थोड़ा सा बच्चा है,
अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला जो रूट है ये पाटबोगी और बरपेटा, ये वाला जो जिस रूट से अभी मैं ये वाला जो रूट है गाइस, ये इस रूट से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये रूट पाटबोगी जाने का जो रूट है और मुंदिया जाने का जो रूट है, उस दोनों रूट को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा इस रूट का लेंथ। और इस रूट के राइट साइड में 2 स्कूल है बड़ा बड़ा, ठीक है। एक तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है इस साइड में, आपको दिखेगा इस साइड में, ठीक है। और एक है आदर्श विद्यालय, ये तो बड़ा स्कूल यहाँ पे है। और इस साइड में आपको जिम सेंटर भी मिल जाएगा, हमारा लोकल एटकार है भाई साहब। स्पीड ब्रेकर को मैंने तो देखा ही नहीं था, ठीक है। तो ये है जिम सेंटर और गाइस ये है पॉलिटेक्निक कॉलेज, बरपेटा का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो। ये है बरपेटा का पॉलिटेक्निक कॉलेज और ये है आदर्श विद्यालय, ये वाला है आदर्श विद्यालय। अभी सही लगा, आदर्श विद्यालय जो है ये विद्यालय का ही बाउंड्री होगा, बाउंड्री होना सही है यार। ये रहा आदर्श विद्यालय, मेरा जो भांजा है उसको मैं ये इस विद्यालय में, मतलब इस आदर्श विद्यालय में एडमिशन देने के लिए कोशिश कर रहा था, पर हुआ नहीं। अच्छा हुआ नहीं होकर अभी नवोदय में हो गया, ये अच्छा हुआ। मतलब आदर्श विद्यालय से बहुत गुना बेटर लगता है मुझे नवोदय विद्यालय। वापस वही जगह आ गया भाई साहब। ये है पाटबोगी जो ब्रिज है, ये वाला है ब्रिज, रिवर के ऊपर बना हुआ है ये वाला ब्रिज, ठीक है। तो ये है हमारा लोकेलिटी का एकमात्र रिवर, ठीक है। एकदम नज़दीक में है हमारा घर से, 2 किलोमीटर के आसपास पास आओगे तो ये वाला रिवर देखने को मिलेगा, काफ़ी सुंदर है, अच्छा लग रहा है देख के। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हमारा जो प्यारा सा पर्वत टाउन ये मोटर ब्लॉग के थ्रू कैसे दिखा, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये है रिवर, पाटबोगी रिवर, काफ़ी सुंदर है, कितना अच्छा सा दिख रहा है लोकेशन। ओके तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बिंदास रहे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।